तो जी नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं भाई आप लोग। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आपसे निवेदन है, यदि आप खेसारी लाल यादव के सच्चे फैंस हैं, रितेश पांडे को सच्चे दिल से चाहते हैं, सच्चे फैंस हैं भाई, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। बता दे भैया आप लोगों को, आज जो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है भैया, लाइव आकर के रितेश पांडे कह रहे कि मेरे गाने पे रिपोर्ट मार के वो क्या फायदा हो रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को भैया, जो पवन सिंह के चमचे दिखा रहे हैं कि रितेश पांडे के हम कितने बड़े सपोर्टर हैं, उन्हीं लोग वही लोग भैया रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के गाने पे रिपोर्ट मार रहे हैं। इसका पूरा प्रूफ भी देने वाला है इस वीडियो में दोस्तों आप लोग, तो इस वीडियो पे पूरा बने रहे। उससे पहले दोस्तों बता दें आप लोगों को, डगरिया शोभे गेरुआ सड़िया से इतना जबरदस्त और बेस्ट गाना है भैया। उसके बाद रितेश पांडे का जो गाना है भैया, संभाल लेगा भोले, इतना जबरदस्त और फाड़ू गाना दोनों भैया कि क्या बताएं आप लोगों को। मैं बता दूं आप लोगों को भैया, मतलब एक घंटे में पवन सिंह का गाने का व्यू जाता है 71,000। एक घंटे में पवन सिंह के गाने का व्यू जाता है भैया 71,000, मतलब 70,000 और 1,000 71,000। उसके बाद बता दें आप लोगों को, उसके बाद खेसारी लाल यादव का गाना भैया कुछ देर बाद रिलीज होता है, एक घंटे में 1,00,000 व्यू क्रॉस करता है, एक घंटे में 1,00,000 व्यू क्रॉस करता है। मानते हैं हम जो रितेश पांडे का गाना भैया संभाल लेंगे भोले, इस गाने को थोड़ा हल्का व्यू कम था, लेकिन खेसारी लाल यादव का जो गाना था भैया डगरिया सोबे गेरुआ सड़िया से, इस गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप जी, इसका सबूत देने वाला है दोस्तों आप लोगों को। उससे पहले आप हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए कि एक घंटे में पवन सिंह का व्यू देख लीजिए कितना है, 71,000। अरे घंटे में देख लीजिए खेसारी लाल यादव का व्यू कितना भैया, 1,00,000। मैं बता दूं आप लोगों को, जब व्यू जाने लगा क्रॉस में, व्यू क्रॉस करने लगा, तो चमचो तो का भैया फट के भस्म हो गया। वो लोग जानते पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, पाप का घड़ा फूटने वाला है। जितने भी पवन सिंह के चमचे है बता दें आप लोग को, पाप का घड़ा फूटने वाला है, बहुत जल्द फूटने वाला है भैया। किसी के दूसरे के साथ कितना कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या तो कोई कंपनी वाला उतना पैसा देके गवाता है, आप गाने पे रिपोर्ट मारते हो बेशर्मो। आप लोग हमारे स्क्रीन पे भैया देखिए व्हाट्सएप में, ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि भोजपुरी को एक करेंगे, अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, भोजपुरी में स्वच्छता अभियान ला रहे थे, उसी का ये ग्रुप है। हमारे स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ भैया कि खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ है और रितेश पांडे का गाना रिलीज, चलो मिलकर रिपोर्ट मारे। आप हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं जरा सा झूठ नहीं बोल रहा भैया आप लोगों को, इतना जबरदस्त और गंदा गंदा जो साजिश है भैया कि क्या बताएं आप लोगों को। जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस है, जितने भी रितेश पांडे के फैंस है भैया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबों को पता चल सके कि गाने के पीछे साजिश हो रहा, षड्यंत्र हो रहा है। ये लोग क्या करेगा, ये लोग पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्द लोग जबरदस्ती अपना स्टार को घिस रहा है, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं देगा। समय कितना तुम रिपोर्ट मारेगो यार, कौना देवता के गढ़ल सवारा लो, इस गाने पे इतना रिपोर्ट मारा भैया कि क्या बताएं आपको। हमारे स्क्रीन पे भी देख लीजिए प्रूफ, ये प्रूफ है, प्रूफ जो पवन सिंह के चमचे बोलते हैं ना कि रितेश भैया का गाना मैं रिपोर्ट मार रहा, हम लोग जाके देख लो, तुम जो मतलब ये षड्यंत्र कर रहा है उस ग्रुप का एडमिन है, यही बोलेगा तो उसका भी स्क्रीनशॉट दे देंगे हम आपको। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना कम्युनिटी में हम शेयर करते हैं। बोलता है टैलेंटेड भोजपुरी वालों को गाली दो, ये करो वो करो, सारा षड्यंत्र हमारे पास भैया आया हुआ है, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना, वो जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमारा भी कोई बंदा है, बता दिए। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी पवन सिंह के चमचे लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, जो भोगते हैं, जो अपने औकात पे कुछ नहीं कर पाते, षड्यंत्र करते हैं गाने के पीछे, वो लोग को ये भैया जवाब पता चले। अरे आज गाना 1,00,000 व्यू नहीं गया, 1,000,000 व्यू नहीं गया बेशर्मो, लेकिन बता दे तुम लोगों को वो गाना इतना जबरदस्त और रफ्तार में भागेगा कि तुम लोग का पी स्टार का गीला हो जाएगा, बता दिए। बहुत ही खराब लगता है भैया कोई कंपनी वाला भैया, अब यदि रितेश पांडे के गाने में भैया रिपोर्ट मार दे, उससे क्या रितेश पांडे कुछ बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन रितेश पांडे को जो पेमेंट दे के गवाया है जो प्रोड्यूसर है गाने का, उसको समझो कैसा लगता होगा। प्रोड्यूसर देखो, तुम लोग का दूर पहिया भुला जाता तो बाप बाप करने लगते हो, तुम लोग का दूर पहिया यदि भुला जाएगा तो तुम लोग 3 दिन तुम लोग का अंदर पेट में खाना नहीं जाएगा। और रितेश पांडे के गाने में तुम लोग रिपोर्ट मारते हो, वो रितेश पांडे को कुछ नहीं होने जाने वाला, रितेश पांडे पैसा लेते हैं उसके बाद गाते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है बेशर्मो, उस पर थोड़ा दया करो, नहीं करेंगे। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, प्लीज वीडियो को लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं ये चमचे लोगों को कहा किया जाए जो इतना गंदा गंदा षड्यंत्र करते हैं भैया। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए भैया और अपना कमेंट में जरूर राय दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, आई लव यू।